स्पेशलिटी हॉस्पिटल दत्तवल नालागढ़ मॉडर्न वेल इक्विप्ड ओटी आईसीयू इमरजेंसी लिथोट्रिप्सी एंड फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गायने सर्जरी एंड अदर सर्जरी ऑल्सो। अन्य विश्वविद्यालय में गिरकर अपाहिज हुए छात्र मामले की निजी शिक्षण संस्थान रेगुलेटरी कमीशन ने शुरू की जांच। जिला कांगड़ा के अंतर्गत अर्नी यूनिवर्सिटी इंदौरा में पिछले दिनों मटकी तोड़ प्रतियोगिता में गिरकर अपाहिज हुए छात्र साहिल कुमार के मामले में हिमाचल प्रदेश प्राइवेट विश्वविद्यालय रेगुलेटरी कमीशन शिमला ने जांच शुरू कर दी है। आज रेगुलेटरी कमीशन के एक अधिकारी डॉक्टर एसपी कटियाल विश्वविद्यालय पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया तथा घटना के बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछताछ की और वाइस चांसलर के बयान कमलदेव ने किए, इसके साथ घटना से जुड़े तथ्य भी जुटाए। इस दौरान रेगुलेटरी कमीशन की जांच पड़ताल में विश्वविद्यालय में कई खामियां पाई गईं। बता दें, पीड़ित छात्र के पिता निर्मल पठानिया निवासी मंझार ने करीब 15 दिन पहले हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान रेगुलेटरी कमीशन शिमला को यूनिवर्सिटी के खिलाफ शिकायत पत्र भेजा था। निजी शिक्षण संस्थान रेगुलेटरी कमीशन के अधिकारी एसपी कटियाल ने अपने यूनिवर्सिटी दौरे की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने पीड़ित छात्र साहिल ठाकुर के पिता निर्मल ठाकुर का शिकायत पत्र मिला था, जिस पर वह जांच पड़ताल के बाद आज अन्य यूनिवर्सिटी में आए थे। घटना के बारे में तथ्य जुटाए गए हैं, तथ्य की जांच पड़ताल के उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। बेटा जो साहिल ठाकुर वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी में जो है बीटेक कर रहा है, वो एक समारोह के दौरान घायल हो गया था, चोटिल हो गया था और काफ़ी सीरियस इंजरीज उसको हुई थी। तो उसमें हमने सो मोटो एक्शन लिया था नियामक आयोग ने अपने स्तर पर, और साथ ही इनकी 3-4 दिन पहले एक कंप्लेंट की प्रतिलिपि भी हमारे पास पहुंची थी। तो आज का संदर्भ यही था कि ऑन द स्पॉट जो है आंका जाए कि किस तरह की उन चोट लगी है और किस तरह का ये वाकया हुआ है, ताकि हम जो है जो संबंध निजी शिक्षण संस्थान है उनसे भी पूछ सकें और आगे की कार्यवाही जो अमल में लाई जाए, इसके लिए आज जो है हम यहाँ पे। कांगड़ा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट।